हिंद जय भारत साथियों, मैं हूं अजीत फौजी सुंगरपुरिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों, आज हम विजिट करने वाले हैं बर्ड पार्क का, जो कि है चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में, जहां पर नज़दीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर नज़दीक सुखना लेक भी है, और ये है सेंचुरियन बर्ड पार्क, जिसके खुलने का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। और यहाँ पर नज़दीक स्कूल भी है और गुरुद्वारा भी है। आप ये देख सकते हैं, एक रास्ता ये जा रहा है सुखना लेक को, और ये दूसरा यहाँ पर लेक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। ये यहाँ पर जो झील का एरिया है, वहाँ पर ओल्ड एज रूम भी है यहाँ पर, और ये एरिया काट करके यहाँ पर बनाया गया है ये बर्ड पार्क। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, जिसके कि खुलने का टाइम आपको बता दिया, और ये सोमवार और मंगलवार को क्लोज रहता है। जो भी भाई विजिट कर रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान दें। यहाँ पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप, हम आपको पूरी जानकारी तसल्ली से देना चाहते हैं, आप हमारा वीडियो आखिर तक देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये साइड में आप देख सकते हैं, ये वाला ये हिस्सा लेक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है यहाँ पर, और ये कैमल राइडिंग भी होती है यहाँ पर, ऊँट की सवारी भी है यहाँ पर। आप साथियों देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, जगह जगह बर्ड पार्क के वो बोर्ड भी लगा रखे हैं। आप ये देख सकते हैं, बर्ड पार्क का टाइमिंग भी दे रखा है, और ये पूरा एंट्री गेट है एक कदम हरियाली की ओर, यहाँ पर हरा भरा। और ये बर्ड पार्क, ये भाई अपने ड्यूटी करते हुए, और ये गेट है यहाँ पर एंट्री गेट, यहाँ से आप एंट्री हो जाओ, जहाँ पर आपको ये मैप भी लगा रखा है यहाँ पर, जो लेक का कुछ एरिया काट करके जहाँ पर ये बर्ड पार्क बनाया गया है उसका पूरा मैप लगाया हुआ है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, मैप सिटी फॉरेस्ट एंड बर्ड्स पार्क का पूरा, ये देख सकते हैं सुखना लेक का एरिया है यहाँ पर, पूरी लेंथ और इसकी वो दे रखी है यहाँ पर, कितनी लेंथ में बना हुआ है ये पार्क, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, ये बोर्ड भी लगा रखा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्ड पार्क है, ठीक है, किड्स एरिया है, और नक्षत्र वाटिका भी है यहाँ पर, नवग्रह भी है, और राशि वो भी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा, ये देखो पब्लिक कन्वेंस भी है, पब्लिक एरिया भी है, राशि वाटिका भी है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप सभी आप तरतीब से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि लोगों में जिज्ञासा ये जानने की, ये पार्क अभी जस्ट ही पिछले महीने ही ये हुआ है। तो ये जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति उनकी धर्मपति जी ने इसका पार्क का इनॉग्रेशन किया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर ये बता रखा है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें कितनी दूरी पर हैं। ये देखो आप, यहाँ पर टिकट काउंटर भी है, टिकट लेनी पड़ती है, बर्ड पार्क की एंट्री है, और ये कौन कौन से पक्षी हैं यहाँ पर, ये पूरी डिटेल पक्षियों की भी लगा रखी यहाँ पर। आप देख सकते हैं, ये देखो सारे विदेशी पक्षी हैं, ये देखो आप, ये आपने कभी देखे भी नहीं होंगे ऐसे पक्षी हैं यहाँ पर। पूरा पार्क के अंदर हर पक्षी की डिटेल लगा रखी है, ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट है ये चंडीगढ़ का, यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा संचालित है ये चंडीगढ़ के द्वारा। चंडीगढ़ आपको पता ही है कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, आपको पता है ये सारी चीज़ें। और ये बिल्कुल, अगर आप सुखना लेक के पास आ रहे हैं तो सुखना लेक के बिल्कुल साथ में ही पड़ता है ये, सुखना लेक से मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर है ये। आप देख सकते हैं ये देखो टाइगर के भी यहाँ पे फोटो वगैरह लगा रखे हैं, ये देखो। और ये है नवग्रह वाटिका यहाँ पर, जो हमारे 9 ग्रह हैं उनकी एक वाटिका बना रखी है यहाँ पर, और उनके बारे में पूरा डिटेल से बता रखा है यहाँ पर इस वाटिका में। आप देख सकते हैं गहराई से, ये देखो आप, बीच में सूर्य को लिया गया, रवि को, सन को, आप देख सकते हैं सभी को यहाँ पर, उनके बारे में पूरा बताया गया है। ये 9 इंच 9 इंच ग्रह, ये देखो आप, नवग्रह वाटिका के बारे में, नवग्रह वाटिका है ये देखो, इसमें 9 खाने हैं बिल्कुल हमारे जो धर्म के अनुसार। आप देख सकते हैं ये पूरे ग्रहों के बारे में बताया गया है यहाँ पर, पूरी डिटेल से लोग देख रहे हैं गहराई से इस चीज़ को। बहुत से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं दूर दूर प्रदेशों से, देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, और बिल्कुल मन लगने वाला इलाका है यहाँ पर, मज़ा आता है घूम के, शांति मिलती है साथियों, बिल्कुल मन को सुकून होता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, और ये देखो ये सेल्फी का बेस्ट वो है पत्थर, यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फी ले रहे हैं अपने बर्ड्स के साथ में।
ये देखो यहाँ पर बैठे हैं लोग, खाना पीना खा रहे हैं, जो दूर दराज से आए। ये सेल्फी एरिया है, यहाँ पर सेल्फी खींची जा रही हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरा दिल लगने वाला वो है, देखो आप, ये देखो बर्ड्स के बीच में सेल्फी ली गई है, ये देख सकते हैं साथियों। यहाँ पर ये भी एक वाटिका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल, और बिल्कुल दिल लगने वाला साथियों। यहाँ पर बिल्कुल सुकून मिलता है यहाँ पर आकर के ना, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कहीं से भी हैं, चंडीगढ़ में आते हैं, तो बर्ड पार्क को ज़रूर देखें साथियों। आप जहाँ से भी आ रहे हैं, बर्ड पार्क को आपको देखना चाहिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर लोग लाइन लगी हुई है, ये देखो, ठीक है। नक्षत्र वाटिका है ये, नक्षत्र वाटिका है यहाँ पर, नक्षत्र के अनुसार देखो, ये देखो आप, ये नक्षत्र वाटिका है यहाँ पर, आपने देखा भाई साथियों, ये नक्षत्र वाटिका यहाँ पर, और ये नक्षत्र के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पार्क बना रखे हैं। यहाँ पर नक्षत्र वाटिका है, अब ये देखो बर्ड पार्क भी है आगे, नेचुरल ट्रेल भी है, राशि वाटिका भी है, हैं कैफी एरिया भी है यहाँ पर। आगे आप चल के देखोगे तो आप देख सकते हैं साथियों, ये सुखना लेक का ये पूरा, यहाँ पर ये देखो लोग आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। ये देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर देखने में, ये देख सकते हैं आप। रोड मैप है ये पूरा, बता रखा है कहाँ पे क्या है, और बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, मज़ा आ रहा है बच्चों को यहाँ पर पशु पक्षियों के साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है। देश विदेश के पशु पक्षी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर साथियों। आप भी जहाँ से भी हैं चंडीगढ़ में आएँ घूमने के लिए, ये सोमवार मंगलवार को क्लोज रहता है, और इसमें बच्चों के 5 साल तक के बच्चे बिल्कुल फ्री हैं यहाँ पर। 5 साल तक कोई टिकट नहीं लगती, 5 साल से 13 साल तक की अलग टिकट लगती है, और एडल्ट की अलग टिकट लगती है, और स्पेशल टिकट अलग है यहाँ पर, वो आगे हम बता देंगे वीडियो में। हमारा वीडियो को देखते रहें ध्यान से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हम इस चैनल पर बहुत सी भर्तियों के बारे में और टूरिस्ट प्लेसों के बारे में बताते हैं। ये देख सकते हैं आप, राशि वाटिका आ गई भाई, हमारी जो राशियां हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, सभी राशियों के बारे में ये पार्क बना हुआ है, आपको पता है यहाँ पर। ये देख सकते, ये टिकट के लिए यहाँ पर देखो लाइन लगी हुई, लंबी लाइन, ये देखो यहाँ टिकट काउंटर है, ये लिखा हुआ है टिकट काउंटर, और ये है आप देख सकते हैं टिकट काउंटर के साइड में ये लगा हुआ है कि किसकी कितनी टिकट लगेगी, और वहाँ पे आपको बता देंगे। 2 लाइनें ऑनलाइन टिकट के लिए हैं, एटीएम या आप किसी से भी ऑनलाइन ले रहे हैं टिकट, और 1 कैश के लिए लाइनें हैं, तो यहाँ पर 3 लाइनें 3 काउंटर हैं टिकट के लिए। और ये देखो लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो घूम के आ गए हैं, सुबह आए थे और अभी वाले लोग लाइन में लगे हुए हैं टिकट के लिए, देख सकते हैं आप। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे यहाँ पर, सभी इंजॉय कर रहे हैं अपना बच्चों के साथ। ये देख सकते हैं टिकट, चिल्ड्रन की 5 से 12 30 रुपये है, और एडल्ट्स के लिए 50 रुपये है, और जो स्पेशल इंट्रैक्शन करना चाहते हैं पक्षियों से उनके लिए 100 रुपये स्पेशल टिकट, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर ये सामने देख सकते हैं, ये टिकट काउंटर है यहाँ पर, देखो साथियों 3 लाइन है, बीच वाली है कैश लाइन, और 2 ऑनलाइन टिकट काउंटर है ये यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आज भी बहुत से लोग आ रहे थे, आज हम गए थे यहाँ पर, हमने विजिट किया पार्क का, तो हमने सोचा लोगों को भी अवगत कराया जाए, ताकि भाई सभी विजिट करें पार्क का, जब इतना खर्चा सरकार कर रही है तो जाना चाहिए, देखना चाहिए पशु पक्षियों को। ये देखो आप चंडीगढ़ बर्ड पार्क, या नो मास्क के बिना एंट्री नहीं है साथियों, बिल्कुल हर आदमी मास्क लगाए हुए मिलेगा, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल जो है वो पालन करना अनिवार्य है चंडीगढ़ में साथियों। ये आप देख सकते हैं ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, जो चंडीगढ़ बर्ड पार्क के नाम से है ये, और ये इनोग्रेटेड बाई द सविता कोविंद, जो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, जो हमारे प्रेजिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी की धर्मपत्नी के द्वारा, ये पुष्पा देवी पुरोहित ऑन 16 नवंबर 2021 को ये किया गया है।
अभी पिछले ही महीने नू मान लो कि आप नवंबर में 21 में ही किया है इसका उद्घाटन, तो आप देख सकते हैं ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी ने किया है, ये आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये आप ये देख सकते हैं, ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर ये भाई बैठे हैं टिकट काट रहे हैं। यहाँ पर ऑनलाइन भी हैं और कैश काउंटर भी है, ये तीन लाइनें हैं। यहाँ पर ये टिकट दिए जा रहे हैं, यहाँ पर टिकट आपको बताई दी, ऊपर लिखा हुआ भी है। और ये इंट्री गेट है यहाँ पर चंडीगढ़ बर्ड पार्क का, यहाँ से आप इंट्री ले सकते हैं।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And यहाँ से ये इन गेट है, 800 रुपये टिकट वाला। ये जोन ऑफ इंटरेक्टिव है। एग्जिट गेट है, जो 100 रुपये की टिकट लेते हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। नहीं जा नहीं रहे, देख रहे हैं थोड़ा। ओके ओके। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and दोस्तों मज़ा आ गया भाई। आज तो पार्क का आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये इंट्री गेट है, इसके साथ में ही आप देख सकते हैं एग्जिट गेट है। यहाँ पर अब यहाँ से बाहर निकले हैं साथी भाई, और ये देख सकते हैं सभी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। और आज पार्क देखने का मौका मिला तो आप सभी को भी अवगत कराना चाहा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग आराम कर रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। ये बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया अच्छा लगा। ये एग्जिट गेट है, यहाँ से लोग निकल रहे हैं अभी। ये बाहर आप ये देख सकते हैं, देखियो सभी खुश होकर निकल रहे हैं यहाँ से, सबको अच्छा लग रहा है। हमने कई लोगों से पूछा, वो सामने देख सकते हैं वहाँ पर गुरुद्वारा और स्कूल है, वो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर
गुरुद्वारा भी है नज़दीक लगता, सुखना जेल का एरिया है ये सारा, सुखना लेक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है नज़दीक में। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सुखना लेक को भी देख सकते हैं, सुखना झील को भी, एग्जिट गेट है यहाँ पर आइसक्रीम वाले, और ये लोग देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा, तो लोग आइसक्रीमें ख़रीद रहे हैं और मज़ा आ गया आज तो पूरा देख के। नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जिट गेट का नज़ारा। Mm-hmm.